को सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। नारनौंद में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। साथ में उन्होंने इनेलो पर भी प्रहार करते हुए कहा कि इनेलो के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। साथ ही उन्होंने एक दुख जताते हुए कहा कि वो मेरे साथी थे, उनसे गलती हो गई है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आज विपक्ष हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज उनकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और अति महत्वाकांक्षा में उन्होंने अपनी पार्टी को एक प्रकार से समाप्त करने का काम भी कर दिया है। वहीं उनके पास में न तो देश में प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार के रूप में नेता नहीं है, ना ही उनके पास कोई दल की कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई प्रदेश और देश के लिए कार्यक्रम है, ना कोई दिल्ली के संसद में कोई उनकी भूमिका है, तो उस अंगने में उनका कोई काम ही नहीं है। तो इंडियन नेशनल लोकदल को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, आज उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है। मेरे साथी थे और अब चुनाव में अपनी उन्होंने अलग भूमिका सोची है, तो मैं समझता हूं कि उनसे गलती हुई है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह से पत्रकार द्वारा पूछे गए कि राजनीतिक में आने का फैसला उनका था या फिर इस्पात मंत्री उनके पिता वीरेंद्र सिंह का था, तो उन्होंने कहा कि मैं 46 वर्ष का हो चुका हूँ, ऑफ कोर्स ये फैसला मेरा ही था। राजनीति में आने का फैसला आपका था या आपके पिताजी का? यार देखिए, मैं 46 साल का हो लिया, इतना बच्चा तो मैं भी नहीं रह रहा। बाकी ये जरूर है उनका मेरे सर पे हाथ है, आशीर्वाद है, लेकिन निसंदेह फैसला मेरा था। नारनौंद से ANT नेशनल के लिए दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर वन वेब चैनल ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ।